कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इन शॉर्ट CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसके जरिए से आप किसी कार्डियक अरेस्ट के मरीज की जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का दिल अचानक से धड़कना छोड़ देता है और वो अचानक से गिर जाता है और उसकी सांस रुक जाती है। अगर किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसके पास अगर कोई इंसान मौजूद है तो वो CPR के जरिए उस मरीज की जान बचा सकता है, अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट का मरीज कुछ ही मिनटों में मर सकता है। तो आइए देखते हैं कि CPR कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही आप किसी इंसान को गिरता हुआ देखें, तो सबसे पहले आप उसकी नब्ज और सांस चेक करें। अगर मरीज की नब्ज और सांस रुकी हो तो समझ जाए कि ये कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। इसमें सबसे पहले आप अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मेडिकल हेल्प मांगनी है और फिर हेल्प पाने तक मरीज को जिंदा रखने के लिए आपको मरीज के चेस्ट में कंप्रेशन देने हैं, यानी मरीज की चेस्ट को जोर और तेजी से दबाते जाना है। ऐसा करने के लिए आपको अपने हाथ की पाम को मरीज की चेस्ट के सेंटर में रखनी है और फिर दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर चेस्ट को ठीक उसी रफ्तार से दबाते जाना है जिस रफ्तार से दिल धड़कता है। ऐसा करने से असल में आप मरीज के दिल का काम कर रहे होंगे, यानी मरीज के चेस्ट को प्रेस करने से ब्लड मरीज के शरीर में ट्रैवल करने लगेगा और इस तरह मरीज का शरीर, खास तौर पर उसका ब्रेन, जिंदा रहेगा। आपको एक मिनट में 100 कंप्रेशन देने की कोशिश करनी है और ध्यान रहे कि कंप्रेशन जोर से देना है ताकि मरीज की चेस्ट 5 इंच तक नीचे जाए, नहीं तो ब्लड ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ आप मरीज को माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं, यानी हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 1 सेकंड का 1 या 2 माउथ ब्रेथ। ऐसा करने से मरीज के सर्वाइव करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नॉलेज की कमी की वजह से कई लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से हेल्प के लिए इंतजार करते करते मर जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऐसा केस नजर आए तो CPR परफॉर्म करके उसकी जान बचाने की जरूर कोशिश करें।